जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के लिए आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम हेलीकॉप्टर से जिले के सिसिया चुड़ामणी गांव पहुंचे। उन्होंने भेड़िया के हमले में घायल हुए लोगों से मुलाकात की, साथ ही बेहतर इलाज के बारे में जिला प्रशासन से जानकारी भी ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि घटनाएं दुखद हैं, इस पर अंकुश के लिए हर उपाय किए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने हमले में दम तोड़ने वाले लोगों के परिवार के लोगों से वार्ता कर सांत्वना दी और मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर एक महिला के बच्चे को देखा, उन्होंने सभी बच्चों को चॉकलेट दिया। इसके बाद एक बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार दिया। ये गैप रहा है 4 से 5 दिन का। 1 सितंबर को अंतिम घटना घटित हुई थी और आज 15 सितंबर है। इस दौरान जनहानि होने की कोई शिकायत, कोई भी सूचना नहीं है। 2-3 सितंबर को एक बच्चे पर हमला किया था, इसके उपरांत हमले की भी शिकायत नहीं है, क्योंकि 5 रेडी अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक किले हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो ने हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के लिए आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। भेड़िया का अटैक वैसे नहीं होता, जो अनुभव रहा है और जो स्पर्ट्स कह रहे हैं उसके मुताबिक सर, तो ये अगर वहाँ से क्लियर हो जाता है कि अगर भेड़िया का है तो हम लोग तो तुरंत भेड़िया ही नहीं, कोई भी जानवर अगर मार दे किसी व्यक्ति को, हमने मानव वन्य जीव संघर्ष को लिया है, इसमें भी देंगे सर। उन स्थितियों में वो भी उससे कवर होगी। महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में माननीय वन मंत्री जी और मेरे द्वारा 4-9 तारीख को यहाँ पर जनपद में, जिसमें समस्त हमारे माननीय विधायकगण भी उपस्थित थे, अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, DMSP के माध्यम से हम लोगों ने सभी अधिकारियों को यहाँ पर संबोधित किया और एक रणनीति बनाई थी, उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। महोदय 11-9 तारीख को मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रथम बार मानव वन जीव संघर्ष के लिए समस्त मंडलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी और समस्त वन संरक्षक को उन्होंने एक निर्देश, दिशा निर्देश जारी किया, जिसमें डूज एंड डोंट्स है और उसको हम लोग अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं सर। इस क्रम में एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन भी बनाया गया सर, यदि अनुमति हो तो तुरंत। राइज में आ रहे हैं जो भेड़िए से प्रभावित परिवार हैं, उनके हमले से प्रभावित परिवार हैं जिनमें मृत्यु हुई है, उनके परिजनों से वार्ता करेंगे और जो घायल हुए हैं उनसे वार्ता करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो उपस्थित रहेंगे, उनके द्वारा भी समीक्षा की जाएगी, सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा होगी कि किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, प्रशासन, पुलिस और वन विभाग द्वारा किस प्रकार से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है।